जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। और आज हम 26 अक्टूबर के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए, वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही स्टेटमेंट जो है पहचानना है। अब पहला स्टेटमेंट है, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं, जो मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड किस तरीके से की जाती है, आइदर 0 या फिर 1 के फॉर्म में। और ये जो हर स्ट्रिंग है ये एक यूनिक कैरेक्टर या फिर इंस्ट्रक्शन जो है रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी देखा था कि अगर स्मॉल ए ये दर्शाना है तो 0 0 1 1 0 0 इस तरीके से दर्शाया जाएगा। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट आता है कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वांटम बीट्स या फिर हम उसे क्यूबिट्स भी कहते हैं उसमें स्टोर होती है। और ये जो क्यूबिट्स है ये 0 और 1 दोनों हो सकते हैं एट द सेम टाइम। मतलब यहाँ पर 0 या फिर 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 0 और 1 एट द सेम टाइम रह सकते हैं। अब आपको सही स्टेटमेंट बताना है, पहला सही है गलत है। पहला बिल्कुल सही होता है, दूसरा अगर आप देखोगे तो ये भी बिल्कुल सही होता है। आज सुबह ही हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा है, तो यहाँ पर दोनों जो ऑप्शन हैं ये बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जवाब देख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। और यहाँ पर जो क्लासिकल कंप्यूटर्स है उसमें 0 या फिर 1 में होता है और हर एक का यूनिक कैरेक्टर या फिर इंस्ट्रक्शन होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स में 0 और 1 दोनों में एट द सेम टाइम में हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो नैनो फार्मास्यूटिकल्स है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही स्टेटमेंट जो है पहचानना है। अब इसमें हमें नैनो मटेरियल जो है वो देखने को मिलते हैं, जो पार्टिकल की साइज़ है वो 1 to 100 नैनोमीटर में हमें देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर आता है कि उनकी हायर इफ़िकेसी होती है लेकिन टॉक्सिसिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब टॉक्सिसिटी अगर हायर रहेगी तो ऑब्वियस है कि वो यूज़ करने में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगे, लेकिन नैनो फार्मास्यूटिकल जो है वो यूज़ करने के लिए रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर टॉक्सिसिटी जो है काफ़ी कम होती है। तो ये जवाब जो है हो जाता है गलत। पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो 1 to 100 नैनोमीटर रहते हैं क्या, तो बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा इसका 1 only। यहाँ पर आप देख सकते हो नैनो फार्मास्यूटिकल जो है डिफाइन किए जाते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिसमें नैनो पार्टिकल जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनकी साइज़ जो है काफ़ी कम होती है। मतलब पार्टिकल की साइज़ 1 to 100 नैनोमीटर होती है और उसी के साथ साथ डायग्नोटिस करने के लिए हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से ये काफ़ी यूजफुल होता है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनकी हायर इफ़िकेसी होती है और लोअर टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है और इसीलिए जो कन्वेंशनल ड्रग्स है उनसे सेफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट पहचानना है। पहला है कि पोलियो वैक्सीन जो है वो सिर्फ ओरली दी जा सकती है। जैसे कि अमिताभ बच्चन की भी जो ऐड आती है कि जो पोलियो की ड्रॉप्स है वो आप पिलाइए, तो सिर्फ ओरली दिया जा सकता है पोलियो वैक्सीन। दूसरा है कि पोलियो वैक्सीन जो है वो मिशन इंद्रधनुष में कवर्ड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो सिर्फ ओरली नहीं लेकिन इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा अगर आप देखोगे तो पोलियो वैक्सीन जो है वो मिशन इंद्रधनुष में बिल्कुल सही जवाब होता है, तो जवाब रहेगा इसका B2 only। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोलियो वैक्सीन जो है वो 2 तरीके से दी जा सकती है, ओरली जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, और दूसरी है इंजेक्शंस जिसे इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं। और यहाँ पर यह मिशन इंद्रधनुष जो है उसमें कवर्ड किया गया है जिससे कि जो पोलियो है वो हम खत्म कर सके। और उसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड और जो स्टेटमेंट है हमारा, मतलब 4th जो क्वेश्चन है वो भी आता है, पोलियो वायरस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अब वायरस जो है ये ऑफन स्प्रेड होता है जो फीकल होता है और ओरल रूट होता है उसके ज़रिए। अब दूसरा स्टेटमेंट आता है, पोलियो वायरस जो है वो माउथ के थ्रू एंटर होता है और इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होता है। मतलब माउथ के थ्रू तो चला जाएगा लेकिन अंदर जो इंटेस्टाइन है वहाँ जाकर फिर वो मल्टीप्लाई होगा, अपने आप को बढ़ाएगा। और तीसरा है Type 1 और Type 2 पोलियो वायरस जो है वो एलिमिनेट किए जा चुके हैं लेकिन Type 3 जो है वो अभी भी सर्कुलेशन में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए ये जो है फेकल और ओरल रूट के द्वारा स्प्रेड होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप देखोगे तो पोलियो वायरस जो है वो माउथ के थ्रू एंटर होते हैं, इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई होते हैं, बिल्कुल सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो हमने आज सुबह ही देखा है कि Type 2 है वो पहले ही एलिमिनेट किया जा चुका था। Type 3 जो है उसका 2012 में लास्ट नाइजेरिया में केस हमें देखने को मिला था और Type 1 जो है वो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो वो देखने को मिल रहा है हमें
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में जो केसेस है वो 21 से 18 पर चले गए, और पाकिस्तान में एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन केसेस जो हमने देखा था कि बड़े थे, है ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े थे पाकिस्तान में। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो 1 और 2 जो है इसका सही जवाब होता है। तो यहाँ पर जो टाइप 2 है वो 2015 में इलिमिनेट किया गया था, टाइप 3 जो है वो भी इलिमिनेट हो गया है, टाइप 1 जो है वो सिर्फ सर्कुलेशन में चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जो जो लुक्सम्बर्ग है उसे कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पर बॉर्डर करती है। तो यहाँ पर बेल्जियम आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है और स्विट्ज़रलैंड आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेल्जियम बॉर्डर करता है, जर्मनी भी करता है, फ्रांस भी करता है, स्विट्ज़रलैंड नहीं करता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो है इसका जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लुक्सम्बर्ग जो है वो शेयर करता है अपनी बॉर्डर बेल्जियम के साथ टूअर्ड दी वेस्ट एंड नॉर्थ, फ्रांस के साथ टूअर्ड दी साउथ और जर्मनी के साथ नॉर्थ ईस्ट में। और देखिए इसकी जो कैपिटल है, ये 4 ऑफिशियल कैपिटल जो यूरोपियन यूनियन के उसमें से भी गिनी जाती है। बाकी के 3 कौन से हैं, एक तो लुक्सम्बर्ग, बाकी के 3 कौन से हैं, ब्रूसल्स जो हमें बेल्जियम में देखने को मिलता है, फ्रैंकफ्रूट में हमें जर्मनी देखने को मिलता है, और स्ट्रैटबर्ग जो कि हमें फ्रांस में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ लुक्सम्बर्ग जो है ये सीट है यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ये 2 स्टेटमेंट, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी जो है यूरोपियन यूनियन की। मैप में भी हम लुक्सम्बर्ग जो है वह एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो नज़र आता है। यूरोप में जाना है इसलिए हमें वेस्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पर अरेबियन सी है, हम मिडिल ईस्ट को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी के ऊपर हम जाते हैं तो यूरोप आता है। अब यहाँ पर आपको पूरा यूरोप जो है वो नज़र आ रहा होगा, और हमने देखा है जर्मनी को लगकर है तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, बेल्जियम को भी लगकर है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लुक्सम्बर्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस किस से कनेक्टेड है ये, थोड़ा हम जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इसको वो कनेक्टेड है, स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर आता है जिसको वो कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो कॉरपोरेट टैक्स रिड्यूस किया गया तो उसके हिसाब से यहाँ पर मेजर जो है वो दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये कंसिडर किया गया है एज एन एंटी साइक्लिक मेजर। एंटी साइक्लिक मेजर मतलब क्या होता है, जिससे हमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो। दूसरा यहाँ पर आता है कि जो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इससे इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो साइक्लिक मेजर्स होते हैं, जो साइक्लिक चीज़ें होती है, जैसे कि साइक्लिक स्लो डाउन आता है कि एक साल में अगर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो खरीद ली गई तो ऑब्वियसली कि दूसरे साल में थोड़ी कम गाड़ियाँ बिकी जाएगी। तो ये जो स्लो डाउन रहेगा ये रहेगा साइक्लिक कि ठीक है एक चीज़ की वजह से आया है, लेकिन स्ट्रक्चरल होता है जो कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो हो रहा है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो उसे हम स्ट्रक्चरल कहते हैं। तो यहाँ पर जो कॉरपोरेट टैक्स रिड्यूस किया गया है ये एंटी साइक्लिक मेजर है, मतलब फटाफट इसका हमें जो सोल्यूशन है वो दिखाई देगा, जो इसके रिजल्ट है वो दिखाई देंगे, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर में हमें इसके जो सोल्यूशन है वो दिखाई देंगे, जो इसके इफेक्ट्स है वो दिखाई देंगे। एकदम शॉर्ट टर्म मेजर में तो सरकार को काफ़ी नुकसान होगा क्योंकि यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स रिड्यूस होने वाला है, ऑब्वियस है कि सरकार को यहाँ पर जो टैक्स में कम पैसा आएगा तो इससे हो सकता है एक्सपेंडिचर कम कर पाए या फिर जो डेप्थ है वो ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसीलिए यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म में सरकार को नुकसान होगा इसलिए एंटी साइक्लिंग मेजर नहीं, हम इसे स्ट्रक्चरल मेजर जो है वो कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, देखिए रेवेन्यू में 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टैक्स जिसमें 2 आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब क्या है, इनकम और कॉरपोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब जैसे GST हो गया। उसी के साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, जैसे कि सरकार को जो डिविडेंड है वो मिल रहा है, लोन से जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है, तो इस तरीके से होता है। अब डिविडेंड कब मिलता है, जब जो पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट की कंपनीज रहेगी उन्हें अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट के वजह से जो डिविडेंड है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा और सरकार को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। कॉरपोरेट टैक्स कम करने के वजह से जो कंपनीज है उनको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा फायदा होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा ज़्यादा डिविडेंड होगा, ज़्यादा डिविडेंड होगा सरकार को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा इसका B2 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चरल मेजर है। एंटी साइक्लिक मेजर में कौन कौन से आते हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सरकार का वो बढ़ा देना, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस करने देना, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब GST रिड्यूस हो गया तो यहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा खरीदी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें माल जो है वो सस्ता दिखेगा, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंट इम्पैक्ट हमें दिखेगा कि जैसे ही GST जो है वो गाड़ी पर रिड्यूस हो गया, मतलब गाड़ी जो पहले 1 करोड़ की थी अब वो 60 लाख की हो गई तो लोग 60 लाख की गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे, तो ये इंस्टेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो ये एंटी साइक्लिक मेजर्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्थ है, डेप्थ मतलब क्या होता है कि जो कर्जा लिया गया है, आप कर्जा समझ सकते हो कि जो उधार लिया गया है, तो उधार भी दो आते हैं, इंटरनल आते हैं और एक्सटर्नल आते हैं। क्योंकि देखिए सरकार के पास जो इनकम आ रहा है टैक्सेस के थ्रू, और फिर सरकार जो खर्च कर रही है उसमें आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, मतलब इनकम कम आ रहा है खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे केस में जो गैप है वो सरकार को उधार लेना पड़ेगा। सरकार दो तरीके से लेती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब यहाँ पर एक्सटर्नल डेप्थ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए एक्सटर्नल डेप्थ जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मुकाबले ज़्यादा है, हायर है, मतलब ज़्यादा कर्जा लिया है फॉरेन एक्सचेंज मुकाबले। शॉर्ट टर्म डेप्थ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म डेप्थ, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से हायर शॉर्ट टर्म डेट जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म जो कम टाइम के लिए होते हैं, कम टाइम के लिए जो कर्जा लिया जाता है वो यहाँ पर रिकमेंडेड होते हैं। अब यहाँ पर पहला जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास 430 जो बिलियन डॉलर है उसके आसपास हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, और 550 बिलियन डॉलर के आसपास जो हमारे पास एक्सटर्नल डेप्थ है वो हमें देखने को मिलता है। तो पहला जो है बिल्कुल सही है। दूसरा सही है या गलत है, शॉर्ट टर्म डेप्थ जो है वो हायर है हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्थ के, तो देखिए ये गलत हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप्थ हमारे पास 80% के आसपास है, शॉर्ट टर्म 20% के आसपास है। और तीसरा अगर आप देखोगे तो हायर शॉर्ट टर्म डेप्थ जो है रिकमेंड किया जाता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म डेप्थ है वो यहाँ पर रिकमेंड होता है, शॉर्ट टर्म नहीं। तो यहाँ पर तीसरा भी गलत हो जाता है, ए जो है इसका सही जवाब है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 430 बिलियन डॉलर के आसपास है, एक्सटर्नल डेप्थ 550 बिलियन डॉलर, और लॉन्ग टर्म डेप्थ जो है 80% के आसपास है, शॉर्ट टर्म 20%। और एडवाइजेबल क्या होता है कि आपके पास जो शॉर्ट टर्म डेप्थ है वो लेसर परसेंटेज में हो, क्योंकि देखिए सरकार जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको ज़्यादा पैसा बाद में आता है ना, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में कहा देखा जाएगा, शॉर्ट टर्म अगर है तो फटाफट सरकार को यहाँ पर कर्जा चुकाना पड़ेगा, जिससे कि वो अच्छी तरीके से देश में खर्च भी नहीं कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर एडवाइजेबल होता है कि लॉन्ग टर्म जो है वो ज़्यादा रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है लूनर क्रेटर के बारे में। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि लूनर क्रेटर जो हमें मून पर देखने को मिलते हैं बाउल शेप्ड लैंडफॉर्म होते हैं, जो कि वॉल्केनिज्म मून पर जो होता है उसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। दूसरा है जो मित्र है ये रिसेंटली स्पॉट किया गया है चंद्रयान 2 के द्वारा। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है सही है गलत है, बिल्कुल सही है, बाउल शेप्ड के होते हैं वॉल्केनिज्म के द्वारा। और दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट चंद्रयान 2 के द्वारा मित्र खोजा गया, बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा इसका बोथ 1 और 2। इस तरीके से आप क्रेटर जो है वो देख सकते हो किस तरीके से खड्डे हमें नज़र आते हैं, क्रेटर को नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर लार्जेस्ट क्रेटर आपको पता रहना चाहिए मून पर कौन सा है, साउथ पोल पर एंटकिन बेसिन, तो ये आपको नाम जो है ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब देखिए जब मॉनसून होता है तो जो मॉनसून है वो डिक्रीज़ होता है साउथ इंडिया से नदर इंडिया की तरफ, मतलब यहाँ से लेकर तो डिक्रीज़ होते जाता है नदर इंडिया की तरफ। और दूसरा यहाँ पर आता है जो अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल है नदर्न प्लेन्स में वो डिक्रीज़ होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब देखिए जो मॉनसून है वो आता भी साउथ की तरफ से है, और ऑब्वियस है कि साउथ की तरफ से आएगा तो पहले साउथ का ख़त्म होगा उसके बाद इधर का ख़त्म होगा, रिट्रीटिंग मॉनसून अलग है, रिट्रीटिंग मॉनसून इस तरीके से आता है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ डिक्रीज होता है, ये भी बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा इसका बोथ 1 और 2। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से जो मॉनसून है वो हमें आते हुए दिखता है और फिर इस तरीके से जाता है, तो यहाँ पर पहले ख़त्म होगा, और रिट्रीटिंग मॉनसून इस तरीके से आता है तमिलनाडु में, यहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है इसलिए यहाँ पर ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं, है ना, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए रिट्रीटिंग मॉनसून। और अभी क्या हो रहा है, अभी जो बरसात हो रही है, अभी अगर आप देखोगे तो अभी जो बरसात हमें देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, दिल्ली इस साइड में जो देखने को मिल रही है वो मोस्टली क्यों देखने को मिल रही है, ये अनकन्वेंशनल फिनोमिना है, ऐसी बरसात हमें देखने को नहीं मिलती है जो इस बार आ रही है। ये क्यों आ रही है, क्योंकि जो रिट्रीटिंग मॉनसून है उसी के साथ साथ जो वेस्टर्लीज यहाँ से आते हैं वो दोनों मर्ज हो रहे हैं, तो दोनों एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का मॉनसून जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर आप हिमालयाज में ट्रैवल करोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा इसमें से, तो डीप जॉर्जेस देखने को मिलेंगे इस तरीके के, यू टर्न रिवर कोर्स, मतलब रिवर्स इस तरीके से जा रही है और सीधा सडन यू टर्न देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें जो ब्रह्मपुत्र है उसका भी यू टर्न अरुणाचल प्रदेश के पास देखने को मिलता है, तो यू टर्न देखने को मिलेगा। पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब इस तरीके की जो माउंटेन रेंजेस है पैरेलल माउंटेन रेंजेस, और स्टीप ग्रेडियंट्स जिससे कि लैंडस्लाइड होती है, मतलब यहाँ पे ऐसे स्टीप एकदम होंगे कि जहाँ से लैंडस्लाइड होगी एकदम फिसलट रहेगी,
तो यहाँ पर सभी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेगी हिमालय में अगर ट्रैवल करते हैं तो, इसलिए जवाब रहेगा डी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जवाब जो है वो सही है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।